नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कुकिंग चैनल कुक विद नीरू गुप्ता में। त्योहारों का सीज़न चल रहा है और मिठाई बनाने के लिए मावा की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 1 किलो दूध से हम किस प्रकार से 200 ग्राम मावा बना सकते हैं। वैसे तो हमें हलवाई की दुकान पर खोया या मावा इजीली मिल जाता है, लेकिन जो घर पर हम खोया बनाते हैं ये एकदम से बिल्कुल प्योर खोया बनकर रेडी होता है। तो क्यों ना हम झटपट फिर इस रेसिपी को फॉलो करते हुए घर पर एक शानदार खोया बनाकर रेडी कर सकें, जिससे कि हम बहुत सी मिठाइयाँ भी बनाएंगे। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 1 लीटर दूध ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है वेरका का पैकेट वाला दूध, आप चाहें तो डेयरी वाला दूध भी ले सकते हैं। दूध लेते हुए ध्यान रखें कि जिस भी दूध का आप यूज़ कर रहे हैं वो फुल फैट मिल्क होना चाहिए, चाहे वो घर का दूध है, चाहे डायरी का है, चाहे पैकेट वाला दूध है। यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है। फुल गैस पर इस प्रकार से हम इसमें दूध में एक उबाल दिला लेंगे। एक उबाल दिला लेने के बाद हमें उसके बाद में जो गैस है उसको मीडियम कर देना है, फुल नहीं रखना। देख सकते हैं एक उबाल आ गया है। अब हम इस प्रकार से स्पैचुला या करछी की सहायता से इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। 2 से 3 मिनट के गैप के बाद आप इसको चलाते रहें। गैस को आप मीडियम फ्लेम पर कर दें। ध्यान रहे कि दूध में इस प्रकार से प्रॉपर उबाल बना हुआ रहना चाहिए और आपको 2 से 3 मिनट के गैप पर इसको चलाते रहना है, ताकि जो दूध है वो हमारी कढ़ाई में तले में जले नहीं, यानी कि जो हमारा खोआ है एकदम से परफेक्ट बनकर आए। और इस प्रकार से अब हमें साइड से सारी खुरचन निकाल लेनी है और बीच में ही दूध के ऐड करते जाना है, जिससे बहुत ही अच्छा और दानेदार जो खोआ है बनकर रेडी होगा। खोआ बनाना बहुत ही आसान है, आप बड़ी आसानी से किसी भी काम को करते हुए साइड बाय साइड खोए को आराम से घर पर बना सकते हैं। यहाँ दूध को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं दूध क्वांटिटी में हाफ रह गया है। अभी हमें इसे और पकाना होगा, मीडियम फ्लेम पर हम इसे और पकाएंगे। इस प्रकार से हमारा एकदम दानेदार खोआ बनकर रेडी होगा। फ्रेंड्स, आप कोई भी काम करते हुए खोए को बनाएं, यह बनाना बहुत ही आसान है, बस आप इसको बीच बीच में 2-3 मिनट के गैप पर चलाते रहें। अब जब भी आपका दिल करेगी खोए की मिठाई बनाकर खानी है या आए हुए मेहमान के लिए मिठाई बनानी है, तो मार्केट जाने का झंझट बिल्कुल ख़त्म। घर से दूध लीजिए, उसका खोया निकालिए और वो भी बिल्कुल शुद्ध, और उससे मिठाई तैयार कीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं दूध को पकते हुए 30 मिनट हो गए हैं। मैंने यहाँ पर दूध को मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। लेकिन अभी प्रॉपर खोआ नहीं बना तो हम इसे और पकाएंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर हाथ को थोड़ा तेज़ चलाएं। जब खोआ इतना गाढ़ा हो जाए तो थोड़ा तेज़ तेज़ उसे पकाएं। जब हम इस प्रकार से कॉन्टीन्यूसली इसे चलाते हुए पका रहे हैं तो अब हम गैस को तेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लेम को फुल किया हुआ है, क्योंकि अब मैं बिल्कुल भी इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये थिक हो चुका है। बस आपको यहाँ पर यही ध्यान रखना है कि आपको इतने अच्छे से खोए को चलाना है कि यह बिल्कुल भी कढ़ाई के तले में लगे नहीं। चारों तरफ से आप अपने स्पैचुला को घुमा घुमा कर चलाते रहें और बड़ी तेज़ी के साथ आपको यहाँ पर स्टेप करना होगा, ताकि खोआ जो है परफेक्ट बने। यहाँ पर मुझे दूध को पकाते हुए कुल 35 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट मैंने दूध को मीडियम फ्लेम पर पकाया और उसके बाद 5 मिनट मैंने गैस को फुल करके फिर पकाया है, और आप देख सकते हैं खोया बनकर रेडी हो गया है। कितना दानेदार खोया बना है, देखने से ही पता चल रहा है खोया परफेक्ट बना है। तो आइए अब मैं आपको यहाँ पर खोए का वज़न करके दिखाती हूँ कि हमने 1 लीटर दूध से कितना मावा बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए, तकरीबन 200 ग्राम मावा हमारा जो है 1 लीटर दूध से बनकर रेडी हुआ है, और वो भी बिल्कुल प्योर। आपको हमारी मावा बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे आप हमारी आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।